अपनों के दर्द की बर्फ आपके कंधों पर पिघलना शुरू हो उससे पहले कहीं ना कहीं किसी भी पोस्ट पर सेलेक्ट होकर प्लीज 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 खुद को सिक्योर कर लो। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के इस चैनल पर जिसका नाम है उन्नति कंपटीशन क्लासेस। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पार्ट 27 की। जी हाँ, ये है पार्ट 27 और हम एक छोटा सा कारवा लेके चले हैं जिसके 26 पार्ट पूरे हो चुके हैं। ये बुक है आपकी रेलवे सामान्य अध्ययन की। पार्ट 26 में मैंने आपसे कुछ डिस्कस करा था, शायद आपको याद होगा। और 27 में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, दिसंबर एंड तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी और मार्च में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा इलेक्शन से पहले। तो फ्रेंड, अगर आपने अब तक इस बुक के दर्शन नहीं करे हैं और आपका विचार ये है कि तैयारी तभी करूंगा जब फॉर्म निकलेगा, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स का लेवल कितना हाई है मुझे शायद बताने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लास्ट ईयर कम से कम 80 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। बेरोजगारी इंडिया में बढ़ रही है, ये भी आपको पता होगा। तो इस बार कम से कम 90 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। ये मैं कम बोल रहा हूँ, जी हाँ, ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। 90 लाख से भी प्लस में जाकर के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। और आप ये सोचते हैं कि बस नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करूंगा, चंद 2-3 महीनों में आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, उन सब बच्चों से आप मतलब आगे निकलेंगे। कॉम्पिटिशन्स रियल में बहुत 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 ज़्यादा है। आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं, आपको आगाह कर रहा हूँ। संभल जाओ, अभी से तैयारी में जुट जाओ, इस बुक के पीछे नहा धो करके पीछे पड़ जाओ। ठंड ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, हाथ धो करके पीछे पड़ जाओ। ये बुक आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 71, इससे पहले के पेज सब डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा दरवाजे का निर्माण करा था। एग्जाम में आपसे ये पूछता है, तो ये है आपका बुलंद दरवाजा। इस बुक में देखिए, मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल इसमें से कवर कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी बेसिक है, स्टैटिक जीके हर एग्जाम में आपके काम आएगी। ठीक है, हर एग्जाम में आपके काम आएगी। आप ऐसा नहीं कि आप बस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बस रेलवे वाले ही ये वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप SSC कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, या फिर स्टेट PCS कर रहे हैं, UP का कोई लेखपाल कर रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट का कोई एग्जाम देते हैं अपना, तो वहां पे ये सभी जगह काम आने वाली है। इतना कम से कम आपको पता करना ही करना पड़ेगा, इतना आपको याद करना ही करना पड़ेगा। आगे पॉइंट है अगला, पोंग बांध व्यास नदी पर बना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिल्हन विक्रमादित्य फोर्थ के दरबारी कवि था। तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम दालें मिलती हैं, ये आपको पता होगा। और मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान वो भी यहीं पे है। और मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है, सोया देश। क्यों? क्योंकि वहां पर सोयाबीन जो हम खाते हैं ना किचन में चावल के साथ, सोयाबीन आलू की सब्जी वो वाला, वो यहीं पर मैक्सिमम इसका उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित होती है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन से ये पूछता है, तो ये है आपका ग्रामीण सहकारिता। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ शांति प्रसाद जैन ने किया था। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया था। जी हाँ, दिल्ली में टोटल कितने राजवंशों ने अपना शासन करा था, अपना आधिपत्य स्थापित करा था। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है आधिपत्य साम्राज्यवाद, तो ये है आपके 5 राजवंश। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है और सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 19.30। 1 कूलम आवेश 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आंख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टि पटल कहा जाता है। और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन चिपकाना चाहूंगा। जी हाँ, चिपकाना मतलब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंख को दान करता है
तो डेड बॉडी जब हमारी डेथ होती है उसके बाद में हॉस्पिटल के लोग आते हैं, डॉक्टर वगैरह, तो हमारे आँख का कौन सा भाग निकाल के लेके जाते हैं? वो ये नहीं कि हमारी पूरी आँख को उखाड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो कौन सा भाग लेके जाते हैं केवल? हिंट मैं आपको देता हूँ, उसकी स्टार्टिंग होती है का से, का। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, जरा देखने से आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आप कितने पानी में हो, कितने खाई में, या फिर कितने गुलाबों के बगीचे में हो। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। बात करें इंडिया गेट की तो ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। लड्डू क्वेश्चन था बिल्कुल। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है, और एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करना, अगर बुक नहीं है ना इसको कहीं नोट मत करना, माइंड में परमानेंट मार्कर से इसको लिख लो कहीं पे तुरंत। इसको अभी पॉज करके 15 से 20 बार कम से कम बोलो, 9.46 × 10^12, 9.46 × 10^12, राइट। ये कम से कम आप 12 से 15 बार बोलेंगे, उसके बाद में आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। काफी बेसिक क्वेश्चन तो मैं ये कहूंगा कि है उनके लिए जिन्होंने जीएस लुसेंट ब्लू वाली बुक पढ़ी है, उनके लिए बेसिक है। जिसने वो बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज उस बुक को ढंग से पढ़ लीजिए। अगला पॉइंट है हमारे पास अग्नि सेकंड। प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग कितना है? 2000 किलोमीटर। जी हाँ, कितना? 2000 किलोमीटर। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की और इस बुक में। हाँ, टॉप में अब ये है कि कैलोरी किसकी मापन इकाई होती है? ऊष्मा की। और 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई होती है डाइन, और 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? तो ये होता है 10^-9। हीन यान और महायान बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। और सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल होता है। सोल्डर बना होता है सीसा और टीन का। हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। यू आकार के झील निर्माण क्या है? हिमानियों से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कॉमन सी बात है, देखिए अगर हम बोलते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा के साथ में ऑटोमेटिक हमारे वॉइस में ना यमुना ऑटोमेटिक लग जाता है। अगर आप देखिए ना गंगा यमुना, तो यमुना क्यों आया? क्योंकि गंगा के साथ में क्या है? यमुना बाय डिफॉल्ट फ्री है, बाय वन गेट वन फ्री, दिवाली धमाका। तो याद रहेगा अब आपको पक्का कि गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना। आगे बात करते हैं भौतिक राशि और देश। न्यूटन इंग्लैंड, फेराडे इंग्लैंड, आइंस्टाइन जर्मनी, ये नाम है भौतिक शास्त्री, मतलब महान भौतिक शास्त्री एवं संबंधित देश। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं ना लिस्ट, और ये कौन से देश से संबंध रखते हैं वो हम बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि गैलीलियो का संबंध कौन से देश से था? आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे, जर्मनी, इटली, स्कॉटलैंड या फिर अमेरिका। तो अब याद रखना यह है आपका इटली, और है आपका रोएंट जन जर्मनी, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, और चैडविक है आपका इंग्लैंड। इतना ही याद रखना मुश्किल इसको हम, और होमी जी भाभा भारत के थे आपको पता होगा, आर्कमिडीज ग्रीस के। फिर हम बात करते हैं प्रमुख कुंभ स्थल, प्रयाग उत्तर प्रदेश, नदी है गंगा यमुना संगम, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी, उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा। अब हम देखिए बात करते हैं तेल शोधक कारखाना। एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कभी कभी कि रिफाइनरी कारखाना कहाँ पर है? डिगबोई रिफाइनरी कारखाना भारत के कौन से भाग पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो तेल शोधक बोले, रिफाइनरी बोले, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करेगा तो आपको कंफ्यूज तो कम से कम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं डिगबोई के बारे में, तेल उत्पादक क्षेत्र है, और ये कहाँ पर है? ये है आपका असम में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। ट्रॉम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई में पड़ता है। ये बॉम्बे हाई सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख सूची और उनके विषय, सूची और विषय। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछेगा, थोड़ा ध्यान देना इस पे। आपसे एग्जाम में पूछता है कि डाक तार, ये जो सूची है ये कौन सी सूची से संबंध रखती है? ये जो विषय है डाक तार, संधि, रेल, रक्षा, ये सब जो टॉपिक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका रेल, डाक तार,
फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट है इसमें आपका राज्य सूची में, ये होता है आपका पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई, ये सभी। समवर्ती में आता है आपका शिक्षा, वन, बस ये दो इंपॉर्टेंट है। सभी याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि बोध गाथाओं में कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। भारत आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात जापान देश में करता है। सबसे पहले पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, मापने वाला जो विज्ञान है वो है आपका इरेटोस्थनीज। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल। अब जगह ले रहा है क्रिकेट। 10 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और राइट नाउ एट प्रेजेंट कौन है हमारे गवर्नर? उर्जित पटेल। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईकॉप्टर है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित करता है। वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। और हाँ, ये जो मैंने बोला है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल, ये जीके फ्लक्चुएट हो सकती है, तो आप प्लीज़ अगर इसको 2019 से 2020 में देख रहे हैं तो समझ जाना कि ये जो रिकॉर्डिंग है काफ़ी ओल्ड रिकॉर्डिंग है। तो प्लीज़ कमेंट मत करना कि सर आपने आरबीआई के गवर्नर गलत बताए थे। तो ये कॉमन सी बात है, सबसे पहले वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में वहाँ पे डेट चेक करा करो कि कब ये पब्लिश हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो जीके होती है ये चेंज हो सकती है। तो प्लीज़ तो अपना करंट अफेयर्स थोड़ा सा बना के चलिए। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 2 बार राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। मधुशाला के बारे में आपको पता होगा, जिसमें एक बड़ी प्यारी लाइन भी थी। कौन सी लाइन याद आई? नहीं आई? एक लाइन थी उसमें, मुझे अब तक याद है, बहुत अच्छे से याद है, मधुशाला के बारे में, कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला आपके क्या है, आपका टारगेट, आपका एम, आपकी गवर्नमेंट जॉब, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो राह, कोई भी रास्ता हो एक ही पकड़ना। अलग अलग राहों को देखोगे कि मुझे इस पे भी जाना है, उस पे भी जाना है, ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने मधुशाला तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बड़े आगे चलते हैं कि 1 वॉट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 10 की पावर 9 का मान 1 गीगा कहलाता है। -40 डिग्री में क्या होता है? सेल्सियस और फॉरेनहाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं। गैसों का दाब मैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। और मानव अधिकार दिवस, बात कर रहा हूँ विश्व की, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉज लूंगा आपके सामने। देखिए मैं हर वीडियो में मैक्सिमम आपसे ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने अब तक इम्पोर्टेंट डेज याद नहीं करे हैं तो प्लीज़ यार कर लो, सच कह रहा हूँ कर लो, क्योंकि एग्जाम कोई सा भी क्यों ना हो, क्योंकि डेज को लेकर के एक ना एक क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछता है। मुझे पता है कि देखिए जितने भी सब्सक्राइबर इस चैनल पे हैं, कम से कम 80% बच्चों को डेज पक्का याद होंगे, क्योंकि उन सबको पता है कि मैं किस तरह से पीछे पड़ता हूँ आप लोगों के। मैं एक जिद्दी बच्चे की तरह हूँ, बिल्कुल पीछे पड़ जाऊंगा आपके। अगर आपको मुझसे दूर जाना है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, आप शांति पा सकते हैं, लेकिन हर वीडियो में मेरी डांट फटकार आपको मिलती रहेगी। इसमें कहने की आपकी एक केयर भी छुपी है, आपके प्रति मेरा प्यार भी छुपा है। देखने वाला देख सकता है, ना देखने वाला नफरत से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकता है। तो प्लीज डेज याद करेंगे आप। मैं बहुत जल्द एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जिसमें मैं खेलूंगा केबीसी, पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, जिसका पहले रिप्लाई आएगा तुरंत उसका नाम लूंगा। बहुत जल्द करने वाला हूँ, जनवरी मंथ में स्टार्ट करूंगा। इस साल तो खैर नहीं, इस साल थोड़ा सा बिजी बहुत ज्यादा हूँ मैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था
और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक की एक शाखा है। भगवद गीता का मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लोन की परत चढ़ाई जाती है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, या फिर एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा, क्या देगा, N2O। एग्जाम में आपको नाइट्रस ऑक्साइड नहीं देगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। एग्जाम काफी सारे ऐसे भी थे जहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लिखा हुआ था, केवल लिखा हुआ था ना ये N2O। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है। बात करते हैं NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। कास्टिक सोडा होता है, और जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है, और मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। भारत का मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ पर है, यह है आपका अहमदाबाद में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख आधुनिक उद्योगों की स्थापना। उद्योग कहाँ पे स्थापित हुए, किस वर्ष स्थापित हुए, ये रहे सभी वर्ष। लौह इस्पात पश्चिम बंगाल 1874। चीनी उद्योग की स्थापना हुई थी बिहार में 1930 में, 1903 में सॉरी। सीमेंट मद्रास 1904। कागज ट्रंकवार मद्रास 1716। अब हम बात करते हैं, देखिए एग्जाम में आपसे रोजगार योजना से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पक्का पूछता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 to 78 इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक योजना थी जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति काम करेंगे उनको ही अनाज मिलेगा। और अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 to 78, जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट हुई थी, और नेहरू रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी 1989 में। इंदिरा आवास योजना 1985 to 86, मनरेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मनरेगा, मनरेगा की शुरुआत हुई थी आपकी 2 फरवरी 2006 को। राजीव आवास योजना 2 फरवरी 2006 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना या धन जन योजना, तो एग्जाम में आपसे जन धन बोलेगा, धन जन बोलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो ये। और इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों, ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। भारत कब स्वतंत्र हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त को। पाकिस्तान 14 अगस्त को। अमेरिका 4 जुलाई को। बांग्लादेश 16 दिसंबर को। और फिलीपींस हुआ था 4 जुलाई को। स्विट्जरलैंड हुआ था 6 सितंबर को। देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा यार बर्मा भी इम्पोर्टेंट था इसमें, तो इन्होंने स्किप क्यों करवाया। जी हाँ बर्मा भी इम्पोर्टेंट है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, देखिए मुझे नहीं पता है। अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ चीज़ स्किप करवा रहा हूँ, लेकिन वो आपने कहीं ना कहीं रियल एग्जाम में देखा था, तो आप उसको याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट तो पूरी बुक ही है, लेकिन हमको पढ़ना है कुछ सिलेक्टेड इसमें से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 73 की ओर। पेज नंबर 73 है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। यक्षगान नामक जो लोक नृत्य का संबंध है कौन से राज्य से है, तो ये है कर्नाटक से। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपसे कि औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन बहुलीकरण से होता है। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, यह है आपकी एनी बेसेंट। कांग्रेस के बारे में इसी बुक में एक लंबा सा चार्ट था, आपको याद होगा सेंटर पे, अभी पिछला जो वीडियो गया था उसी में,
तो कांग्रेस से संबंधित भी एक ना क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो प्लीज़ कांग्रेस को आप ढंग से याद कर लेना। ब्लैक पगोड़ा के रूप में कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। क्रायो लाइट एल्युमिनियम धातु का एस्क होता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी विख्यात था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ये आपका ईमेल। जी हाँ, संचार, ना तो एक चवन्नी खर्च होनी है, केवल नेट होना चाहिए, कहीं पे भी कहीं पर भी आप मेल कर सकते हैं। सस्ता संचार का साधन है ईमेल। ब्रेस्ट स्ट्रोक ये जो शब्द है ये है आपका तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? ये भी है तैराकी से संबंधित, दोनों ही एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। तो पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। ये अल्पना रूप कहाँ पर प्रसिद्ध है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें होता क्या है? एग्जाम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछता है घुमा फिरा करके, तो आप याद रखना अल्पना ये जो प्रसिद्ध है, ये जो मेथड है ये है चित्रकारी का। फर्श पर इस पर जैसे करते रंगोली करते हैं, रंगोली कहाँ बनती है? रंगोली बनती है फर्श पर। कभी देखा आपने रंगोली की छत पर बनती है? मतलब कि पंखा आपने ऊपर लगा रखा सर के ऊपर, उसको साइड में रंगोली नहीं ना, फर्श पर। तो ये भी एक चित्रकारी का एक नाम है जिसको बोलते हैं अल्पना, और ये फेमस है आपके पश्चिम बंगाल में। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। अलकनंदा तथा मंदाकिनी गंगा नदी की सहायक नदी होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कलकत्ता में स्थित है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। गांधी जी याद आते हैं? आते हैं ना आपको भी, रोज देखते होंगे जब नोट निकालते होंगे जेब से आप लोग। तो गांधी जी भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। गांधी जी को अच्छे से याद रखना, कब वो भारत आए थे वो वर्ष आपको याद रखना है, हर चीज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपको उनके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। खेड़ा 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मील आंदोलन के लिए उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल करी थी, ये करी थी 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो ये हुआ था आपका 1920 में। नमक सत्याग्रह 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। देखिए वर्ष को याद करने के लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत यूट्यूबर्स ने ट्रिक्स के थ्रू भी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको याद नहीं होती है कुछ ईयर्स वगैरह, तो आप उनके किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं देखिए उनका नाम तो खैर नहीं लूंगा, मुझसे ज़्यादा समझदार आप लोग हैं कहीं ना कहीं। PhD आपने कर रखे यूट्यूब पर, मुझे मालूम है कि देखिए सब्सक्राइब कैसे करते हैं, कौन सा चैनल फेमस है। मैं काफ़ी सारे बच्चों से बात करता था फ़ोन पे पहले, ठीक है, अभी भी करता हूँ। तो मुझसे ज़्यादा तो नाम उनको पता होते हैं, मुझे खुद नहीं पता होता यार ये भी चैनल का नाम है। भाई वाह, मुझे गिने चुने नाम पता है। अन अकेडमी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपका एक आलोक के नाम से है, वो बस तीन चार चैनल का नाम पता है। और रियल में आप खुद देखेंगे अपनी सब्सक्राइबर की लिस्ट, आपने कितने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 20 से 25 कर रखा होगा। आप सोचिए मुझे केवल 5 6 बताएं और आपको 20 25 बताएं, तो सोचिए ज्ञान किसका बड़ा है, आपका या फिर मेरा? कॉमन सी बात है आपका। तो देखिए ट्रिक मुझे याद है कि मैंने एक बार किसी पे देखा था चैनल पे, उसमें ट्रिक थी कि गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा करके अशोक मतलब असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों को देश छुड़ाया। बस ये थी ट्रिक। तो उसने समझाया था तरीके से कि कब हुआ चंपारण, कब हुआ खेड़ा, कब अहमदाबाद मेल हुआ, फिर खिलाफत हुआ, ऐसे योग कराया, उसके बाद में नमक बनाकर अंग्रेजों से देश को छुड़ा लिया। तो ऐसी ट्रिक आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं होती है कि डायरेक्ट ईयर क्या होते हैं। अगर आपको वर्ष याद थे इन सबके, तो आपको ट्रिक के लिए यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आता है सो आता है, जिसको नहीं आता है उसको यूट्यूब पर ट्रिक सर्च करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कि बिजली के चमकने पर NO7 गैस उत्पन्न होती है। वात्य भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है और पूर्व
पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया जाता है पूंजीगत लाभ पर। भारत में प्रारंभिक सहकारी समिति कृषि समिति होती है थी और सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं आपसे कि विदेशों में ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जो संगठन बनाए थे विदेश में, उनका इंडिया हाउस कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया हाउस कहाँ पर है, आप बोलोगे कॉमन सी बात है यार, इंडिया हाउस इंडिया में होगा, ऐसा नहीं था। इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी 1904 में लंदन में, और स्थापना किसने करी थी, ये करी थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत लंदन में है, वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी 1904 में। उसके बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 अमेरिका में तारकनाथ दास ने। लास्ट है आपका आजाद हिंद फौज 1942 सिंगापुर, रास बिहारी बोस। तो ये एक दो तीन चार, ये चार इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अभिनव भारत और आजाद हिंद फौज। मैंने बाकी के दो इसलिए कराएंगे, रिस्क मत लो एग्जाम में, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपसे टकरा जाए। वही बात दोबारा बोलूंगा, जंगल में शिकार अगर किसी खरगोश का करना हो, हथियार अपने साथ कम से कम एक शेर के लेके चलो, ना जाने कब किस शेर से मुलाकात हो जाए। आप उसको ये बोलोगे कि नहीं भाई, मैं तेरा शिकार करने नहीं आया, तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं तो खरगोश का शिकार करने आया हूँ, देख मेरे पास उसको मारने के लिए हथियार भी नहीं है। तो उसको आप प्रूफ नहीं दोगे, वो केवल आपको डायरेक्ट खा जाएगा। तो इसलिए तैयारी अपनी स्ट्रांग करके जाओ। अगला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह है साहित्य के क्षेत्र से, और इनको पुरस्कार मिला था 1913 में किस चीज को लेकर के। अब जरा ये सुन लो, गीतांजलि इनकी पुस्तक थी आपको पता होगा 1911 में प्रिंट हुई थी मार्केट में, जो ये बुक निकली थी 1911 में, 2 साल के अंदर ये बुक इतनी फेमस हुई, इतनी फेमस हुई, उसके बाद में 2 साल बाद ही इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ये लिखते हैं बुक वाला लिखते हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये हो गए साहित्य के क्षेत्र से संबंधित। मदर टेरेसा शांति 1979 को इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998 में, कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला था आपको पता था 14 में। और आपने केबीसी देखा था इस साल का क्या, जो अभी 17 में जो हुआ है कुछ दिन पहले, अभिनंदन केबीसी जो आया था ना, उसमें ये आए थे कैलाश सत्यार्थी। अगर अगर आपने नहीं देखा होगा ना वो एपिसोड, तो केबीसी सर्च करना यूट्यूब पर, एग्जाम में अगर टाइम है आपके पास अच्छा खासा तो उस वीडियो को प्लीज वॉच जरूर करना, आपको चलेगा पता कि लोग कितनी देश सेवा करते हैं। आपके अंदर हल्की फुल्की भी देश सेवा होगी ना, वो और इंक्रीज हो जाएगी इनका इंटरव्यू देखने के बाद में। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, ये सभी जो कर होते हैं प्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं ये, केंद्र सरकार के कर ये होते हैं और राज्य सरकार के कर होते हैं ये सभी आपको याद करने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दास प्रथा का अंत कब हुआ था। अकबर के द्वारा दास प्रथा में जो सुधार आए थे वो आया था 1562 में। जजिया कर समाप्त करा था अकबर ने कब करा था, 1564। इबादत खाना की स्थापना 1575। दीन ए इलाही की घोषणा हुई थी 1582 में। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 74 पर। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी द्वारा पहला हमला पोलैंड देश पर किया गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आपको याद होना चाहिए हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 बम गिराया गया था, परमाणु बम वो भी खासतौर पे, और उन बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, फैट मैन। लिटिल बॉय गिरा था आपका हिरोशिमा पर, और फैट मैन जो बम का नाम था वो गिरा था नागासाकी पर। कब गिरा था, 9 अगस्त को। तो ये स्टैंडर्ड वर्ड्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछ सकता है। तो आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है इसको साइड रखिए, जो जरूरी हो उसको पढ़िए। फैट मैन, लिटिल बॉय, नागासाकी, हिरोशिमा, उनके वर्ड्स कहीं लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं थे तो। आगे बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है। सच कहूँ तो ये क्वेश्चन ना आपको नहीं पता होगा, अगर आप घर से काफी दूर है ना, 14.2 किलोग्राम ये होता है सिलेंडर का वजन। और जिसमें गैस होती है, जो स्मेल आती है कि यार गैस लीक हो रही है, तो गैस लीक होने के लिए एक गैस मिलाई जाती है सिलेंडर के अंदर, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि हाँ यार सिलेंडर लीक हो रहा है, सिलेंडर को बाहर रख दो,
किसी खुले आसमान की तरफ, ऐसा हम करते हैं तो वो होती है आपकी मर्क कैप्टन, गैस का नाम होता है। आगे हम बात करते हैं चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, ये आपका NaNO3। सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है, ये है अपोलो 2। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्यूटेन द्रव अवस्था में पाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल करा गया है। ये जो है जीके, ये आपके डायनेमिक जीके में आती है, फ्लक्चुअल हो सकती है, तो इस पे बिलीव मत करना। जो भी चल रहा हो एट प्रेजेंट पे उस पे फोकस करना। एलिफेंटा पास कहाँ पर है, श्रीलंका में है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है आपकी जुंको तेबई। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। और भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी में है। भारत तथा चीन की सीमांत रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। नाचने वाली लड़की की मूर्ति मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कर्नाटक के रेत से दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तलकाडू में स्थित है। आवेश की CGS पद्धति की इकाई कूलम्ब है। और फोटोक्रोमिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास 1680 में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए 1977 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग चीनी है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। संचयन बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पाइरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और पौधों में गैसों का विनियम क्यूटिकल द्वारा होता है। गीता रहस्य के रचयिता कौन है, तो ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। काफी बेसिक टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको बुखार कभी आता है कभी जाता है, या फिर बुखार आपका कंटिन्यू बना रहता है, तो उसको बोलते हैं टाइफाइड के लक्षण, ठीक है। और डॉक्टर आपको जो टेस्ट लिखता है उस टेस्ट का नाम होता है विडाल। विडाल तो पेपर में लिखता है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट का संबंध ये है कि डॉक्टर को आपके ऊपर डाउट है कि आपको कहीं टाइफाइड तो नहीं हो गया है, तो उस कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट का प्रयोग करता है डॉक्टर। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। चूना पत्थर चट्टान कायंत्रित होने पर संगमरमर बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उच्च न्यायालय स्थापना वर्ष। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1 जुलाई 1862 में। सबसे पहला जो स्थापित हुआ था कलकत्ता मुंबई चेन्नई में हुआ था 1862 1862 1862, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है इलाहाबाद, और इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। जम्मू कश्मीर 1928 में। पंजाब और हरियाणा का दोनों का एक सिंगल ही क्या है, उच्च न्यायालय, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1966 में। अभी बात करी थी NH1 के हमने, अब हम बात करते हैं आगे के जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में। NH1 दिल्ली अमृतसर, कुल लंबाई है इसकी 456। देखिए लंबाई किलोमीटर में स्टेट पीसीएस जीएस पेपर 1 में पूछ सकता है, लेकिन आपके रेलवे के एग्जाम में आपसे लंबाई नहीं पूछेगा, पहली बात तो ये। और जो ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हैं उनको NH1, NH2, NH3, NH7 ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इसके आपस में इसकी कनेक्टिविटी है। NH2 अगर आप रोड पकड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ते हैं, तो आपकी शुरुआत होगी आगरा से और उसका अंत होगा जाके मुंबई में। 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और NH7 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। कुल लंबाई कितनी है एग्जाम में, कुल लंबाई आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछ सकता है, 2369। आगे बात करते हैं वर्ल्ड कप, एक नज़र। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत विजय रहा था और उसके साथ खेला था वेस्ट इंडीज। फिर 1966 में श्रीलंका विजय रहा, हुआ ये भारत में था और किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। 2011 में भारत ने फिर वर्ल्ड कप जीता और श्रीलंका के अगेंस्ट।
आगे बात करते हैं पेज नंबर 75 के। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः लोहा धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए ये लोहा है, काफ़ी लाइट है, और ये नीला जो अगला वर्ड है ये भी लाइट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं इसकी सेट करूँगा जिससे कि आपको आराम से ये चीज़ विजिबल हो सके। राष्ट्रीय आय का आधार मालों का उत्पादन एवं सेवा सुविधा में विस्तार से होता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव मिथेन होता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का घटक जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था इसने, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये हाँ, ये है इम्पोर्टेंट, अनटॉमी या अनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है प्राणी तथा पौधों की रचना से है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राज्य तंत्रात्मक थी, और लेह और श्रीनगर का संबंध करने वाला दर्रा कौन सा है, जो जिला चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, जी हाँ बात कर रहा है भारत का, वो भी क्या सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थगढ़ बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, और डच गवर्नर जनरल वान रेड ने अपनी राजधानी को पुलिकट से नागपट्टनम में बदल दिया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बंकर शब्द, पोलो खेल से संबंधित है। एक बंकर होता है जो छुपने के लिए जमीन के अंदर सुरंग सी खोदते हैं ना, जमीन के अंदर बनाया गया रूम जिसमें लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं बंकर। अगर आप कभी जाते हैं जम्मू जैसे एरियो में तो वहां पे आपको कुछ बंकर मिलेंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे लोग जमीन के अंदर ही रहते हैं अपना घर बना करके, तो उसको बोलते हैं बंकर। आपको पता होगा हिटलर के बारे में, हिटलर ने अपनी हत्या का कैसे करी थी, अपना वो खुद शूट करा था उसने, अपना वो खुद गोली मारी थी, वो मारी थी बंकर में। उस समय वो जो मरा था वो उसकी डेथ हुई थी वो हुई थी बंकर के अंदर, पहले उसने वाइफ पे गोली मारी फिर अपने आप पे गोली मारी उसने। आगे बात करते हैं मूल अधिकारों की संकल्पना यूएसए से ग्रहण की जाती है, और सेहत का मुख्य घटक क्या है, फ्रैक्टोज है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में की बीच की सीमा रेखा है। पानीपत की तीसरी जो वॉर हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगर मैं आपसे बात करूं पानीपत का पहला वॉर कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, अगर आपको तीनों वर्ष याद हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर तीनों वर्ष में आपका मतलब कि आप कंफ्यूज हैं, आपको याद नहीं आ रहा 1526 1500 क्या था, 76 था, 86 था, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके साथ में बनी हुई है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज लुसेंट जीके की ब्लू वाली बुक पढ़ लो, मैं इसके वार आपको कम से कम नहीं बताऊंगा। सौर पृष्ठ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड बोले या सेल्सियस बोले बात एक ही है, सेंटीग्रेड और सेल्सियस में क्या डिफरेंस था ये मैंने आपको बताया था, एक नया नाम है एक क्या है पुराना नाम है। अब मैं मुंबई को बॉम्बे बोलूं और आप बोलो मुंबई, जगह तो एक ही है, बस थोड़ा सा ये हेर फेर है कि आपको नया नाम नहीं पता, मुझे नया नाम पता था, जब मुझे नया नाम नहीं पता आपको नया नाम पता था, तो ऐसे ही फर्क आप समझ लीजिए। ज़्यादा कोई इसमें आपको मिसाइल लॉन्च नहीं करनी है, कोई टफ चीज़ नहीं है ये, चलेगा। दूध की शुद्धता क्या होती है, लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है, और ये यंत्र आपको मिलेगा दूध वाले के पास में, डेयरी वगैरह के पास में होगी ना, तो वहाँ पे एक यंत्र होता है उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। दूध कितने मिलावट वाला है, कितना उसमें घी है, कितना उसमें क्या है, तो वो लेवल चेक करता है लैक्टोमीटर। स्पीड पोस्ट ये एक बुक का नाम है, और इसके जो रचयिता है वो है आपकी शोभा डे। पर्वत केटू को गॉडविन आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक कौन है, आरती शाह। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। कासा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। और उसके बाद गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पड़ती हैं, जनजाति ये पड़ती हैं कहाँ पर, मेघालय में। फिर हम बात करते हैं आपसे कि जो भी महाद्वीप हैं वर्ल्ड के, जैसे एशिया अफ्रीका उत्तर महाद्वीप, हमारा भारत कौन से महाद्वीप में आता है, विकल्प
बिल्कुल राइट आंसर है आपका एशिया। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका छोटा देश कौन सा है, ऊंचा शिखर, लंबी नदी, ये सभी आप रीड कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। सबसे बड़ा देश जो है, बात करूं तो चीन, छोटा देश मालदीव, ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, लंबी नदी यांगसी। जी हाँ, यांगसी, एशिया की बात कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अफ्रीका, बड़ा देश अल्जीरिया, छोटा देश मेओटो, ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो, लंबी नदी नील। उत्तरी अमेरिका, केवल छोटा और बड़ा देश बहुत है इसके लिए, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक, यूरोप छोड़ दीजिए आप। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, बड़ा देश, छोटा देश, ऊंचा शिखर, लंबी नदी। अब मैं बात करता हूँ विश्व के महासागर, उनका एरिया, उनकी गहराई कितनी है। प्रशांत महासागर का टोटल एरिया कितना है, या पढ़िए इसको, अटलांटिक को पढ़ लीजिएगा, हिंद को पढ़ लीजिएगा, आर्कटिक को पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रशांत महासागर का सबसे ज्यादा जो गहराई वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मरियाना गर्त। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, इतनी इसकी गहराई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चाहे आप फेसबुक के माध्यम से करें, किसी ग्रुप में शेयर करें, आप भी आगे बढ़िए, और प्लीज़ यार औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए ना पूरा पूरा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो रियल में पसंद आया होगा। और अभी भी वक्त है, पढ़ना शुरू कर दो, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो। अगर आपको उसके बाद ही तैयारी करनी है, लगता है कि सिलेक्शन हो पाएगा, तो छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या वो लोग मूर्ख हैं जो 1 साल से इस फॉर्म का वेट कर रहे हैं, 1 साल से पूरे दिल और जान से लगे पड़े हैं। कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, कोई किसी खेत में धूप के नीचे पढ़ रहा है, या फिर कोई अपने घर की छत पर पढ़ रहा है। सोचो, थिंक अबाउट इट, सिलेक्शन किसका होना चाहिए, आपका या फिर उसका। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।